यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उन्नाव रेप मामला पहले ही काफी बहुचर्चित मामला है, जिसके बाद उन्नाव में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घर में महिला को अकेली पाकर जेठ ने यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर आरोपी जेठ ने महिला की पिटाई भी की। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं उन्नाव से, जहां पर एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राम खिलावन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उन्नाव से। राम खिलावन, तो एक और मामला यहां पर सामने आया है उन्नाव से दुष्कर्म का, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी मैम, आपको बताना चाहेंगे कि उन्नाव में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी कुलदीप सिंह सेंगर का गैंग रेप सामने प्रकरण आया, उसके बाद अभी गंगाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सपा नेता वीरेंद्र यादव पर गैंग रेप का आरोप लगा। ये उन्नाव का लगातार जो है रेप गैंग रेप की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, जिस पर उन्नाव की पुलिस अधीक्षिका एक महिला होने के बाद पुष्पांजलि दे देवी, जिनके हाथों में पुलिस विभाग की कमान है और ये इस घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल राम खिलावन, तो जिस तरीके से पहले भी उन्नाव में एक रेप की घटना काफी बहुचर्चित मामला ये था, इसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या लगता है सरकार अभी भी सतर्क नहीं है इन मामलों को लेकर? जी बिल्कुल, अभी योगी सरकार इस रेप कांड से घेरे में, विधायक वाले कांड से घेरे में है और अभी अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि गंगाघाट थाने के अंतर्गत रेप कांड का मामला सामने आ गया। आज उन्नाव में फिर एक महिला के साथ उसी के जेठ ने, पति जब बाहर गया हुआ था वो अकेले महिला थी, उसके साथ दुष्कर्म किया। ये प्रकरण आए दिन उन्नाव जिले में घटनाएं सामने आने से सरकार की किरकिरी होना साफ तौर पे देखा जा रहा है और योगी सरकार इसमें उन्नाव जिले में फेल होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राम खिलावन, तो एक और जो ये बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है दुष्कर्म का, इसके बाद पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी जेठ की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम खिलावन तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे यहाँ पर, और इसके बाद लगातार दुष्कर्म की जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते लोगों में भी काफी रोष है। कई प्रदर्शन लोगों की ओर से किया गया, साथ ही घर में अब महिला को अकेली पाकर जेठ की ओर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।